हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए, आज की इस वीडियो में हम DSSSB जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था फीस कलेक्टर का, उसका 24 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्ट डिस्कस करेंगे। जीके के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें टोटल 40 रहते हैं एक शिफ्ट में, ओवरऑल 120 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। किस तरीके से DSSSB पूछता है आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर वन है थंगटा एंड ढोल चुलोम आर फोक डांसेस ऑफ विच स्टेट। तो देखिए किस स्टेट के ये डांस फॉर्म है, ये आपके मणिपुर के हैं। किस स्टेट के हैं, मणिपुर के हैं। नेम द क्लाइमेटिक साइकिल इन पैसिफिक ओशन विद ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन वेदर पैटर्न। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, एल नीनो इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द शैलोएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़ कौन सा। देखिए शैलोएस्ट कौन सा है आपका, आरटी क्वेश्चन है। और अगर जो मैं डीपेस्ट की बोलूँ तो आपका कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक ओशन। आगे बढ़ते हैं, डैश फर्मेंट्स लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क टू लैक्टिक एसिड। देखिए इसका सही आंसर है लैक्टोबैलिकस। देखिए ये आपके बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंट करते हैं किसको, लैक्टोज शुगर को। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे GNP की जो आपकी डेफिनेशन है वो पूछी जा रही थी। डेफिनेशन क्या है आपकी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री सिटीजन्स इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर रेस्पेक्टिव टू देयर लोकेशंस। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटिंग मिल्क विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैलिकस बल्गेरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोलिफल्स। क्या नाम है भाई, योगर्ट। इसका सही आंसर क्या है, योगर्ट। द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज उत्तर प्रदेश एंड द लीस्ट पॉपुलेटेड यू मस्ट नो इट इज सिक्किम। प्रारंभिक उपचार में पहला कदम कौन सा है, जांच होता है। विच इंस्ट्रूमेंट डज रविशंकर प्ले। देखिए रविशंकर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, सितार। महात्मा गांधी का असैसिनेशन कब हुआ था, 30 जनवरी 1948। ठीक है कहाँ पे हुआ था, बिरला हाउस के बाहर न्यू दिल्ली में। नथुराम गौडसे जी ने कितनी गोली मारी थी, 3 गोली मारी थी। लास्ट वर्ड्स जो उनके मुँह से निकले थे कौन से थे, हेराम। अब बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर लिखा है यहाँ पे। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ओवरऑल अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम एंड इज यूजुअली कंपाइल्ड एंड री इवेल्यूएटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन बाय विच गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस अ नेशन इकोनॉमी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, फिस्कल पॉलिसी के जो डेफिनेशन आपको दे रखी है यहाँ पे। अगर जब बोलूँ फिस्कल पॉलिसी आपकी दी किसने थी, ये आपकी JM Keynes ने दी थी जो आपके बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट थे। गुरु सुकेर इज द हाइएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज। इसका सही आंसर अरावली। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस कथकली डांसर। देखिए कालामंडलम पद्मनाभन नायर इसका सही आंसर है। देखिए सेवन सिस्टर्स के रूप में किन स्टेट्स को जाना जाता है, यह आपके अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। नेम ऑफ फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। देखिए इसका सही आंसर क्या है, एजोस्पिरिलम। ठीक है आगे बढ़ते हैं, विच स्लोगन वॉज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री। देखिए कौन सा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है इनकी एक सडन डेथ हो गई थी ताशकंद समझौते के दौरान 1966 में। सन टेम्पल इज लोकेटेड इन, देखिए कहाँ पे है सन टेम्पल, कोनक, ये आपका उड़ीसा में है। कब बिल्ड किया गया था, 1238 से लेकर 64 तक बिल्ड किया गया था। किसने बिल्ड किया था, नरसिंगा देव फर्स्ट ने, जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिए GDP की फुल फॉर्म दे रखी है आपको, GDP की फुल फॉर्म क्या है, द फाइनल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली अ ईयर कॉल्ड। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पे MSP के बारे में पूछ रखा है, देखिए MSP के बारे में जान लेते हैं। द प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट टू परचेज क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर वट एवर मे बी द मार्केट प्राइस फॉर द क्रॉप्स। तो क्या होता है आपका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। विच ट्रीटी वॉज साइंड टू पुट एन एंड ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए कौन सी ट्रीटी हुई थी आपकी, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ठीक है
और अगर जो हम डेट की बात करूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, तो आपकी 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी जान लीजिए, ये 1 सितंबर 1929 से लेके 2 सितंबर 1945 तक हुई थी। नेम द 2008 समर ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर फॉर शूटिंग, आप सभी को पता होगा अभिनव बिंद्रा। विच कंट्री इज द लीस्ट जेंडर इक्वल अकॉर्डिंग टू द जेंडर इनइक्विटी इंडेक्स, तो इसका सही आंसर क्या है, यमन। 2019 की बात हो रही थी, सही आंसर क्या है, यमन। हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन से थे आपके राजा, हरी सिंह, किंग हरी सिंह। देखिए लिएंडर पेस इज ए प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, पता ही होगा आप सभी को। नेम द कंट्री विद द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये भी पता होगा, इंडिया, हमारा प्यारा भारत। इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश इन द सिटी ऑफ, देखिए कहाँ पब्लिश किया गया था, ये देहरादून में, ठीक है, देहरादून में पब्लिश किया गया था। और अडॉप्ट कब किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949। अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव द भारत रत्न अवार्ड, तो देखिए प्रणब मुखर्जी जी को मिला है कौन सा, भारत रत्न अवार्ड। शिंजो आबे इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, जापान। इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेक प्लेस, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपकी कब हुई थी, 1951 में। इससे क्या हुआ था, आपका 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, और ये आपका आर्टिकल 31B और C से भी रिलेटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो देखिए किसको मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कब मिला है, तो ये 1913 में मिला है। विच इज़ द फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन अप्रूव्ड बाय WHO, तो देखिए पीफिजर है, कौन सी है, पीफिजर। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम मेडल्स इन द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन जीते थे सबसे ज़्यादा 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल। द फर्स्ट प्रेजिडेंट टेम्परेट चेयरमैन ऑफ द असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली व्हेन इट मेट ऑन 9 दिसंबर 1946, इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 2016-17, भगवान जाने क्या क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर किशन कुमार अग्रवाल। डैश ऐप लॉन्च बाय RBI इज यूज टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर टू आइडेंटिफाई द डीमोनेशन ऑफ द नोट, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। देखिए WTO का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं आपके, ये चेस से हैं। अमंग द फॉलोइंग इज अ रेसलर हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन 2016 समर ओलंपिक, के भी शायद आपको पता हो, साक्षी मलिक जी थी, इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2016 के समर ओलंपिक में। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, विच कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ बीन अनाउंस एज द क्लीनेस्ट, देखिए इंदौर हमेशा क्लीनेस्ट सिटी पे रहती है, अब से नहीं, 3-4 साल काफ़ी हो चुके हैं, तो ये तो फोटो क्वेश्चंस हो चुके हैं, यहाँ से मैच शुरू हो चुका है। देखिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शिफ्ट पर, ठीक है, ये नेक्स्ट शिफ्ट है, ये आपकी दिन वाली शिफ्ट है, और इसका पहला क्वेश्चन ये रहा, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, देखिए कहाँ पे हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मुंबई में हुआ था, कौन सी डेट में हुआ था, 28 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हुआ था, किसने, मतलब प्रेजिडेंट कौन था उस टाइम, एओ यूम थे, और 1885 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस गठित की गई थी। देखिए जाकिर हुसैन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तबला बजाते हैं। नोंगक्रेम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, ये कौन से स्टेट का फोक डांस है, नोंगक्रेम, ये आपका मेघालय का है। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी, हमारी सिक्किम है। सुधा चंद्रन किस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं, भरतनाट्यम को, किसको, भरतनाट्यम को। देखिए MSP कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1966 में इंट्रोड्यूस हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू नॉट शो एनोमलस एक्सपेंशन, इसका सही आंसर क्या है, मरकरी। देखिए मरकरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है आपका 80, सिंबल क्या है, सिंबल है आपका HG। नेम द हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र, कलसुबाय शिखर जो है आपके महाराष्ट्र के हाईएस्ट पीक है। घूमर इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो देखिए आपके उड़ीसी का ये फोक डांस है, कौन सा, घूमर। वॉट इज रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन एक्वेटिक सिस्टम कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम, क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम।
डैश रिफर टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज विच डिराइव इट वैल्यू प्राइस फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट. तो इसे क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स. क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स. महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड बाय नथुराम गोडसे. डेट आपको पता ही होगी, ऊपर डिस्कस करी थी अभी. डैश इज एन अप्रोच टू सैनिटेशन प्रोविजन विच सेफली रीयूजेज एक्स्ट्रा इन एग्रीकल्चर. तो इसे क्या होता है, मतलब प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सैनिटेशन. क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सैनिटेशन. विच कंट्री इज नॉट एन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन मेंबर. देखिए, साथ का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके हैं. देखिए, सार्क का गठन कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 में हुआ था. और कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था. हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपके काठमांडू में है. मेंबर्स कौन कौन से हैं आपके? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान. लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूट एंड बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम. देखिए, आपको पता होगा चावल और जो काली दाल होती है उससे पीस के उससे बनाई जाती है आपका इडली, डोसा, उत्तपम बनाया जाता है, लेकिन खिचड़ी नहीं बनाई जाती पीस के. देखिए, आरबीआई के बारे में पूछा गया है कि नेम द बॉडी दैट रेगुलेट इशू बैंक नोट्स. यहीं से आपको पढ़ के ये पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है. हाउ डज क्लैमाइडोमोनस रिप्रोड्यूस. ये होता क्या है ये पता होना चाहिए. ये आपकी ग्रीन कलर की जो एल्गी होती है वो होती है. ये रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं? स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करती हैं. टैक्सेशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग आर टू की टील्स ऑफ और की टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी आपकी दी किसने है? जेम किन्स ने दी. द डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. देखिए, डीपेस्ट सबसे गहरी कौन सी आपकी रिवर? कॉन्गो. कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में है. ठीक है. आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी हैज बीन अवॉर्डेड पद्मश्री. देखिए, पद्मश्री किसको मिला है? कंगना रनौत को पद्मश्री मिला है. ठीक है. और प्रणब मुखर्जी को तो भारत रत्न मिला है. श्री शिंजो आबे हैज बीन अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण. जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट मिला है इनको पद्म विभूषण. ऑन विच ओकेजन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? बैसाखी. ठीक है, बैसाखी में हुआ था, लेकिन आपको डेट पता होनी चाहिए कब हुआ था. देखिए, आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था. किसके अरेस्ट के अगेंस्ट में? यह होता आपका सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी के अरेस्ट के अगेंस्ट. नेशनल एल्बम ऑफ इंडिया, एम्बलम ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था. द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन, देखिए, इंडिया में होगा. विंग्स ऑफ फायर आपकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये किस विजनरी साइंटिस्ट ने लिखी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका COVID-19 वैक्सीन इंडिया? देखिए, कोविशील्ड है, ठीक है, कोविशील्ड किसने बनाई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने. द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, कहाँ से लिया गया है ये? आपका जो 5-year प्लान्स होते हैं आपके लिए गए हैं USSR से, रशिया से. ड्रीम फॉर माई फादर, ये आपकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये किस फेमस पर्सनैलिटी की है? ब्रैक ओबामा की है. ठीक है, ब्रैक ओबामा की. विच कंट्री इज द मोस्ट जेंडर इक्वल अकॉर्डिंग टू जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स? स्विट्जरलैंड टॉप रहता है मोस्टली. विच अमेंडमेंट वॉज मेड टू इम्प्लीमेंट द राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? तो देखिए, जो आपकी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी जो कि 2002 में पारित की गई थी, ठीक है, ये आपकी किससे बिलोंग करती है? आपकी राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से बिलोंग करती है. हु इज शेड्यूल्ड टू टेक अ ट्रिप इन July 2021 टू द स्पेस इन ब्लू ओरिजिन फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट? जेफ बेजोस. जेफ बेजोस कौन? अमेजन के CEO. हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फुटबॉल एज देयर नेशनल स्पोर्ट? तो देखिए, इसका सही आंसर है जर्मनी. इंग्लैंड को आपको पता होगा क्रिकेट है. चाइना का भी आपको पता होगा टेबल टेनिस. रशिया का होगा, और जब आपको नहीं पता, रशिया का है आपका आइस हॉकी. विच इवेंट वॉज हेल्ड इन इंडिया इन 2010? देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में भारत में. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब फाउंड की गई थी आपकी? 1928 में फॉर्म की गई थी.
ठीक है, किसने फॉर्म की थी आपकी, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, अशफाक अल्लाह खान ने और सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1928 में फॉर्म की थी। और जो एग्जैक्टली हेड थे वो सचिंद्रनाथ सन्याल ही थे, लीडर इस एसोसिएशन के। दीपक कर्माकर देखिए किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, जिमनास्टिक से, फेमस जिमनास्ट हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन बॉक्सिंग प्लेयर, देखिए डोला बैनर्जी, क्यों, ये किससे बिलोंग करती हैं आपकी, आर्चरी से, शूटिंग से बिलोंग करती हैं। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रेडी ऑन, देखिए जिस दिन अडॉप्ट किया गया था उसी दिन फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था। द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट वॉज बैक्ड बाय, देखिए किसने टॉप किया था, ये आपका इंदौर और सूरत ने। वेयर वॉज द कॉन्फ्रेंस हेल्ड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन इसराइल एंड अरब्स इन 1917, देखिए उसे क्या कहा जाता है, कैंप डेविड। ये 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो चुके हैं, नेक्स्ट मैथ्स आ चुके हैं। अगले शिफ्ट की तरफ चलते हैं, ये देखिए आपके शाम के शिफ्ट है, इसको भी जल्दी जल्दी हम कवर अप कर लेते हैं। देखिए नेक्रोसिस कैन बी डिफाइंड एज, इसका सही आंसर है आपका फोर्थ, डेथ ऑफ द सेल और टिश्यूज इन अ लिविंग बॉडी ड्यू टू इंजरी और डिजीज, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है आपके जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं या टिश्यूज, ठीक है, इन अ लिविंग बॉडी ड्यू टू इंजरी और डिजीज। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दिस मर्जर मेड पंजाब नेशनल बैंक PNB द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, तो देखिए PNB के साथ किसने मर्ज किया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मर्ज किया था, आपको पता ही होगा, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने PNB के साथ मर्ज किया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी आप सबको पता होना चाहिए, किस तरह का फोर्स होता है, देखिए ऐसा फोर्स होता है जो सर्कुलर पाथ में तो होता है लेकिन जो सेंटर से दूर भेजता है। द फोर्स राइजिंग फ्रॉम द बॉडी इनर्शिया व्हाइल इट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। द ताप्ती रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अरे फ्लो ही करती है मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, एंड इट इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, इस तरफ फ्लो करती है ताप्ती रिवर। द फर्स्ट राउंड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 प्राइवेट बैंक इन इंडिया केम इन अबाउट द ईयर, देखिए कब आए थे, 1969 में। ये भी पूछा जाता है कि कितने बैंक टोटल प्राइवेट बैंक और नेशनलाइज हुए थे, तो टोटल 14 प्राइवेट बैंक आपके नेशनलाइज हुए थे। पंडित बिरजू महाराज इज द फेस ऑफ विच ऑफ द डांस फॉर्म, तो देखिए कथक डांस फॉर्म करते हैं पंडित बिरजू महाराज। विद्युत गुणों के संदर्भ में सिलिकॉन के निम्न रूप में वर्गीकरण किया जाता है, अर्ध चालक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड एट अलाहाबाद, तो देखिए अलाहाबाद संगम, ये तो आपको पता ही होगा जब कहाँ क्या गंगा यमुना सरस्वती मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द दिलवारे टेम्पल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ये बनाए गए थे, ठीक है, क्या बनाए गए थे आपके, दिलवारा टेम्पल है जो आपके माउंट आबू, ठीक है, पता ही होगा आपको कहाँ पे, राजस्थान में। द फिनोमिनन विच कॉज अ रेनबो लाइक पैटर्न ऑन द सर्फेस ऑफ अ सीडी व्हेन लाइट फॉल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिफ्लेक्शन क्या होती है आपकी, एक स्लाइट बेंडिंग होती है लाइट की, जो पास करती है किसी ऑब्जेक्ट के एज के थ्रू, इट इज स्लाइट बेंडिंग ऑफ अ लाइट एज इट पासिस अराउंड द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। धालो नाम के लोक नृत्य को निम्नलिखित में से किस राज्य से जोड़ा जा सकता है, तो देखिए धालो नामक जो ये डांस फॉर्म है आपका गोवा से बिलोंग करता है। द RBI आस्क्स विच बैंक टू टेक ओवर लक्ष्मी विलास बैंक ऑपरेशन फॉलोइंग मिसमैनेजमेंट फेल्ड मर्जर अटेम्प्ट, देखिए DBS बैंक के साथ हो गया। द दिबांग लोलित एंड केनवा ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ब्रह्मपुत्र की है, दिबांग से भी अगर जो आपको पता चलता तो आप इसका सही आंसर कर सकते थे। केंद्रीय बजट 2020-21 का विषय क्या था, आत्मनिर्भर भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द टोर्नेडो, देखिए ये तो पता ही होगा आपका नहीं आंसर, तो इसका सही आंसर क्या है, फुजीदा स्केल। मैन वॉज द फर्स्ट प्रोविजनल बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड, देखिए नवंबर 1947 में फर्स्ट प्रोविजनल बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रेजेंट किया गया था। द मंगोल इन्वेजन ऑफ द इंडिया वर सक्सेसफुली रिपेल्ड, देखिए खदेड़ दिया था दिल्ली सल्टनेट ने, उस टाइम सल्टनेट में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, किसको भगा दिया था, मंगोल इन्वेजन्स को हटा दिया था। हिमालय में कंगतो चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कौन से, कंगतो चोटी। किंडनगुर एंड कालोवाजी आर द टू स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, कथकली के ये डांस फॉर्म है। द डांस फॉर्म सत्रीय नृत्य हैज इट्स ओरिजिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इसका सही आंसर क्या है आपका, आसाम।
कैबिनेट मिशन वॉज फॉर्म्ड अंडर विच ऑफ द अंडर विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। देखिए कैबिनेट मिशन आपको पता होना चाहिए 1946, ठीक है, और उस टाइम पीएम कौन थे ब्रिटिश के, ब्रिटेन के, ये थे आपके क्लेमेंट एटली। इन विच ईयर द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम प्लेड फर्स्ट टेस्ट मैच एट लॉर्ड्स स्टेडियम। देखिए 1932 में हुआ था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, ठीक है, 1932 में। निम्नलिखित में से किस ईसाई मिशनरी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए दीन बंधु की उपाधि प्राप्त की थी। दीन बंधु कैसे कहा जाता है, सी एफ एंड्रयू को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए यूनाइटेड प्रोविंस यूपी सबसे ज़्यादा क्या था, रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हु वॉज़ नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। देखिए सलीम अलीम को बर्डमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने बर्ड सर्वे कराया था पूरे भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दिस इंडियन मैथमेटिशियंस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। सही आंसर क्या है, राधानाथ सिकदर। क्या आंसर है, राधानाथ सिकदर। माउंट एवरेस्ट की एट प्रेजेंट हाइट कितनी है आपकी, 8849 मीटर। और ठीक है, फर्स्ट टाइम किसने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को, एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्वे, ठीक है, और कब किया था, 1953 में। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दिस मेंबर ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम होल्ड क्रेडिट फॉर द मोस्ट ओडीआई रन फॉर इंडिया। मिथाली राज, ठीक है, कौन, मिथाली राज। विच ऑफ दिस स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू होल्ड थ्री फेज इलेक्शन ड्यूरिंग द 2009 कोविड-19 पेंडेमिक। जब इलेक्शंस हुए तो देखिए पहली स्टेट कौन सी थी जिसने रोक दिए थे इलेक्शंस पेंडेमिक के दौरान, तो देखिए बिहार। हु वॉज फाउंड द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो देखिए जेमिनी, ठीक है, हु फाउंडेड द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। सही आंसर क्या है, जेमिनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हु वॉज जेमिनी, ही वॉज अ डिसिपल ऑफ वेद व्यास, ठीक है, और कब के टाइम की बात है, ये 4th century के टाइम की बात है। सूरज लता देवी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। देखिए आपकी हॉकी से बिलोंग करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन 2020। देखिए किसको मिला था, एम सी मैरी कॉम को। इंडिया वॉन इट फर्स्ट टेस्ट ट्रॉफी इन 1952 अंडर द कैप्टनशिप ऑफ विजय हजारे। इनके नाम से एक ट्रॉफी भी है, आप सभी को पता भी होगा। द इंडो चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ डोकलाम, देखिए कब हुआ था, 2017 में हुआ था। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ द फंक्शन ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जी वी मालवेंकर, ठीक है, लोकसभा के पहले स्पीकर भी थे। अमंग द फॉलोइंग बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर इन जुलाई 2021, अभिमन्यु मिश्रा वर्ल्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। द करंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी पास्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन द ईयर 2020। आगे बढ़ते हैं, सरिंगापट्टनम की घेराबंदी जो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध का अंतिम टकराव था निम्न वर्ष में हुआ था, कब हुआ था, 1799 में, ठीक है। तुर्की मंगोल विजेता तिमूर ने किस राजवंश के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तुगलक राजवंश के टाइम पीरियड में, ठीक है। विच ऑफ दीज पर्सनैलिटीज पॉपुलरली रेफर्ड एज सेज ऑफ कांची, शंकराचार्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेज ऑफ कांची, कांचीपुरम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग टू बिकेम द कंट्रीज फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग टू बिकेम द कंट्री फंडामेंटल। अच्छा तो भाई इसका सही आंसर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935। क्या इसका सही आंसर, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ हमारे 120 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चंस के आंसर के में अवेलेबल थे पहले से ही, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।